अरे यार मजा चल रहे हैं।
राज मोड़ जा रहा है।
आप
बिना संसाधन के, जब तक तो कोई संसाधन नहीं था आपकी नई टेक्नोलॉजी का,
जब हम लगभग 20% का रेशो लेके जा सकते हैं ना, तो आज मेरी गारंटी है तुम लोगों ने साथ दिया, तो इस 20% के रेशो को लगभग 50% तक मैं ले जाऊंगा। बस तुम लोगों की मेहनत रेगुलर चाहिए बेटा, और इसके लिए हमने एक पूरा नियम बना रखा है, जैसे कि टेस्ट सीरीज, आप में से कई सारे लोग तो टेस्ट सीरीज देते हैं, पर कई सारे लोग टेस्ट सीरीज भी नहीं देते। यदि वो भी लोग टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो जो मैंने बोला ना तुम लोगों का साथ रहा तो 50%, यदि तुम लोगों का 100% साथ रहा ना, तो 100% सिलेक्शन को कोई माइक अला नहीं रोक सकता। बट ये कि तुम 50% लोग तो यही मान के चलते हो कि टेस्ट देना अपराध है, इसलिए एग्जामिनर भी यही मान के चल रहा है कि तुम्हारा सिलेक्शन लेना अपराध है, तो मैं उन 50% को हटा रहा हूँ। पर जो 50% वास्तव में मेहनत करने आए ना, वो तो मेरे साथ ही स्टाम्प पर लिखा ले जाओ कि तुम्हें कोई माइक अला नहीं रोकना, और तुम चाहो तो अपनी फोटो लगाकर अपने गाँव में बांट दो कि मेरा सिलेक्शन हो गया 2024। लगे मुझे बताते रहो, और तुम्हारी हर कमी और तुम्हारी हर इच्छा पर जो पढ़ाई से रिलेटेड होगी, मैं उनको पूरी पूरी करने की 100% कोशिश करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद अंशु सर। और मेरे प्यारे भाइयों, अंशु सर ने जैसे बताया कि रियल में वो सारे बच्चों थे 4.5-5 हज़ार, उनको हमने यही इन्हीं बिल्डिंगों में पढ़ाया और उन बच्चों ने हमें सिलेक्शन दिए। उन्हीं बच्चों के कारण आज हमें पढ़ाई के समय गर्व होता है, अपने आप में प्राउड भी है कि हमने इतने बच्चों को जॉब दिलाई। फिर मैं कहूंगा कि लोको पायलट एएलपी टेक्नीशियन में जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट वही सबसे ज्यादा हम पढ़ाएंगे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट का सिलेक्शन भी सबसे ज्यादा दिलाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। वैसा वाली पंक्ति में फिर दोहराऊंगा, आपका साथ जरूरी है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है ताली। इधर से आप साथ दो, इधर से हम मेहनत करेंगे, फिर राजस्थान में नंबर वन हम परचम लहराएंगे। लेकिन वैकेंसी आने का थोड़ा टाइम है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए बच्चों जो सिलेक्ट हुए हैं, एक बच्चा भी अगर 5 बच्चा भेजेगा तो 5-5 बच्चे तो हमारे डायरेक्ट वही एडमिशन होने के बेटा, और 100% अभी आए थे एक बच्चा भी छोटे भाई को लेकर, तो कहने का मतलब है कि अच्छी तरह से जाओ। डीआरडीओ का भी रिजल्ट आया, डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय की जो सारे पोस्ट है ना, उनमें सबसे उच्चतम शिखर है, उसके अंदर अगर इतने बच्चे सिलेक्टेड हुए हो, तो एएलपी और टेक्निशियन बनाना तो हमारा पाया था खेल है, तो हम खेल को डमरू की तरह बजाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। लास्ट में दो बात उन्होंने बताओ कि कोई भी काम करते हो ना, उसके लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जैसे अर्जुन का स्वयंवर हो रहा था, तब और राजा बहुत सारे बैठे हुए थे, किसी को मछली की टांग दिखाई दे रहा था, उसी प्रकार तुम्हारी आंख है बेटा सरकारी नौकरी, आपके जीवन में प्रत्येक पल पल केवल और केवल सरकारी नौकरी का दिखाई देना चाहिए। और भाई साहब ने अभी बोला कि अपने आप को मान लो कि मैं रेल दौड़ा रहा हूँ या रेल में बेटा कोई तार को जोड़ रहा हूँ, वो काम आप कर दो, मेरे बेटा को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिंदगी भी बिजली के तारों के समान है, बिजली भी जिंदगी के तारों के समान है। लेकिन आजकल इश्क करने लगे हैं, पक्षी भी बिजली के तारों से, क्योंकि यारों शहरों से कम होने लगी है अभी पेड़ की डालियां, तो पक्षी भी अपना जीवन जीने के लिए खा बैठता है बिजली के तार पर। तो उसी प्रकार आपके शरीर के अंदर ब्लड का प्रवाह होता है, उसी प्रकार आपका करंट रूपी धारा सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए प्रवाह होना चाहिए, वो जज्बा आपके शरीर होना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले अपने मम्मी पापा और गुरुओं का मैं बार बार उसी जगह जाता हूँ, उनका आशीर्वाद आप रखो, आपको सुपरसाइज सफलता मिलेगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा कोर्स को ऐसे ढंग से पढ़ा कि मुझे क्लास से आते समय इतनी थका हुआ भी आता था, तो आपकी क्लास में आते ही एनर्जी मिलती थी, और वो एनर्जी आपकी बराबर बनी रहे, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। आप सभी बेटा जहां भी रहे स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, और मेरे बेटा दीर्घायु बने, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अपने जो गुरु जी हैं ड्राइंग वाले सर, ये भी आपको 2 शब्द बोलेंगे। जैसे आप सभी लोग, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है,
जो मेरा मेन मकसद है आप लोगों को समझाना वो यही है कि आप लोगों की सबकी थिंकिंग होगी कि वैकेंसी 2000 है, 5000 है, 10000 है, तो मन में से सभी लोग निकाल देना और खुद के मन में ये ध्यान रखना कि वैकेंसी एक आएगी ना ऑल इंडिया, तो उस वैकेंसी को मेरी होगी। इसी बेस पे मैं 3-3, 4-4 जगह पास हो के एक एक वैकेंसी पे आपके सामने खड़ा हूँ। तो मन में एक ही चीज रखनी है, वैकेंसी एक होगी तो भी मेरी होगी, उस वैकेंसी को मैं छेड़ने नहीं देगी। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एलपी की वैकेंसी 10000 है, 20000, 25000 है, तुम्हारी ट्रेड इलेक्ट्रिकल हो, फीटर हो, कोई सी भी हो, 1, 2, 5 कितनी भी आ जाए ना, तो संतुष्ट हो जाना कि हाँ जो हमारी पढ़ाई है वो हम 5 के समथिंग ऐसे करेंगे कि टॉप 5 में रहेंगे। जैसे 5 वैकेंसी है ना, तो 5 की टॉप 5 में रहेंगे, इससे 5-6 में भी नहीं आएंगे, तब तो सिलेक्शन पक्का है। बाकी 5 का 20000 भी आ जाएगी ना, नहीं होने वाले का तो नहीं होगा। बाकी ज्यादा मैं कहूंगा नहीं, बस जो मेरा संदेश है वो यही है आपके लिए। बैठो, बैठो।